मंदिरों का देश है, जहाँ पे हर कोने में आपको कोई ना कोई भगवान का मंदिर जरूर मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? ये है पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में बसा है, जिसका जिक्र आपको विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत में भी मिलता है। 5000 साल पुराने इस मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस मंदिर में करीब 6 दरवाजे हैं, जिसमें से 5 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिसमें से अरबों रुपए की मूर्तियां, बोरे भर भर के सोने के सिक्के और सोने की कुर्सियां मिली है। ऐसा कहा जाता है इनमें से एक एक सिक्कों की कीमत करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए है, और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इस मंदिर की जो संपत्ति है वो करीब $17 बिलियन से ज्यादा की है। अगर हम मुगल काल में देखें, जिस समय मुगल सबसे अपने पीक पे थे, उस समय भारत का जो GDP था वो करीब $90 बिलियन था, और सिर्फ इस मंदिर के अंदर बंद खजानों को अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू करीब $17 बिलियन है, और उसमें अगर आप कारीगरी को भी जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यूएशन 10 गुना बढ़ के करीब $170 बिलियन हो जाती है। लेकिन इन सभी दरवाजों में जो दूसरा दरवाजा है वो आज तक कभी खोला ही नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो दरवाजा खोल दिया गया तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी। ऐसी मान्यता है इस मंदिर के अंदर इतने पैसे हैं जो कि भारत को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना सकता है। इस मंदिर के अंदर करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन इस मंदिर का ये गेट कभी आज तक खोल ही नहीं पाया कोई, क्योंकि जब भी इसको खोलने कोई जाता है तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो दरवाजा ही नहीं खुलता है। ऐसा ही साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद भी दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। ये मंदिर रहस्यों से और अपने चमत्कारों से भरा हुआ है, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच है पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर का, और क्या इसका यह दरवाजा कभी खुल भी पाएगा या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल, और तो पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर का जिक्र महाभारत के समय से होता आ रहा है, और इसमें एक पुरानी कहानी है कि केरला के कसारगोड जिले में एक स्वामीयायर नाम के एक ऋषि रहा करते थे। वो भगवान विष्णु की तपस्या में हमेशा लीन रहते थे और वो उनका एक बार दर्शन करना चाहते थे। एक बार स्वामीयायर ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे, लेकिन उसी बीच एक छोटा बालक आता है और भगवान के लिए चढ़ाने वाला जो उनका जल था उसको उठा के वो बच्चा फेंक देता है, जिसके बाद ऋषि काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं और वो बच्चे को दौड़ाना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से बच्चा गायब हो जाता है। ऋषि को समझ में आ जाता है ये कोई चमत्कार है और ये कोई साधारण बालक नहीं था, इसलिए वो फिर से भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और अचानक से एक आकाशवाणी होती है कि अगर उन्हें फिर से उस बच्चे से मिलना है तो उन्हें अनंत वन में जाना पड़ेगा। लेकिन स्वामीयायर ऋषि ने अनंत वन का नाम कभी सुना ही नहीं था, लेकिन भगवान को खोजने के लिए वो लगातार चलते जाते हैं और लक्षद्वीप के तटों पे वो घूमते रहते हैं। वहीं पे उनको एक महिला दिखती है जो कि अपने बच्चे से कह रही होती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अनंत वन में ले जाके फेंक दूंगी। ऋषि उस महिला से अनंत वन का पता पूछते हैं और वो उस तरफ वो लगातार चलते जाते हैं। ऋषि जैसे ही अनंत वन पहुंचते हैं उन्हें फिर वही बच्चा दिखाई देता है जो कि महुआ के एक पेड़ में जाके गायब हो जाता है। इसके बाद अचानक से वो वृक्ष गिर जाता है और उसमें से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं जो कि 8 मील लंबे रहते हैं। ऋषि ने भगवान को छोटे आकार में आने को बोला ताकि वो उनका पूर्ण दर्शन कर पाए, और इसके बाद भगवान वो अनुरोध मानते हुए एक छोटे रूप में आते हैं, लेकिन महुआ के पेड़ों की वजह से भगवान उनको 3 पार्ट में दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ये खबर राजा तक पहुंचती है और राजा ने कुछ ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ पे एक बड़ा मंदिर बनवा दिया, जिसको आज हम पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना करते हैं। आज पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर के पश्चिम में आपको स्वामीयायर ऋषि का समाधि मिल जाएगा। कहते हैं इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप जो भी मांगते हैं वो आपका पूरा जरूर होता है। इसके बाद आता है मुगल काल, जब बहुत सारे मुगल आके भारत के मंदिरों को तोड़ा कर रहे थे। उस समय यहाँ के आसपास के लोगों ने इस मंदिर को काफी ज्यादा छुपा के रखा और इसके बारे में कोई बड़ा जिक्र नहीं किया जाता था। 1680 में मुकिल्ला नाम का एक मुस्लिम शासक यहाँ पे आया था इस मंदिर को लूटने, जिसको पास के लोगों ने ही उसके आक्रमण को रोक के मंदिर को लूटने नहीं दिया। ऐसा माना जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर की महत्वता को समझा और इस मंदिर को फिर से और बड़ा बनाया गया। 1750 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को और अपने राज्य को पूरी तरीके से पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर को समर्पित कर दिया, और उन्होंने ऐलान किया कि वो पूरी संपत्ति इस मंदिर के नाम कर रहे हैं और इसी मंदिर के नाम से वो पूरा अपना साम्राज्य चलाएंगे। इसके बाद मार्तंड वर्मा ने पद्मनाभीपुरम को त्रावणकोर राज्य की राजधानी भी घोषित कर दिया। अपने 28 साल के इस राज में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को वहां का एक सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया, और इसके बाद एक बार डच की सेना ने भी इनके ऊपर आक्रमण किया, और कहा जाता है कि ऐसे कुछ चमत्कार हुए कि इनकी छोटी सी सेना डच की बड़ी सेना को भी हरा के आ गई। इस राज्य के आखिरी राजा थे थिरुनल बलराम वर्मा, जो कि साल 1931 से 1949 तक रूल किए। इसके बाद इसको भारत में शामिल कर लिया गया। त्रावणकोर का जब भारत में विलय हुआ तो भारत सरकार ने पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर अपने कब्जे में नहीं लिया, इसे त्रावणकोर राज परिवार के पास ही रहने दिया। तब से इस मंदिर का देखरेख यही राज परिवार आज तक करता रहा है, एक प्राइवेट ट्रस्ट के तरह। ये मंदिर करीब 35 मीटर लंबा है, जिसकी दीवारों पर द्रविड़ और केरल शैली में कारीगरी की गई है। इस मंदिर की कारीगरी उस समय भी एक साइंटिफिक तरीके से की गई थी, क्योंकि इसमें देखें तो टोटल 7 फ्लोर हैं, जिसमें हर फ्लोर में एक पेयर ऑफ विंडो है जिसमें से इस पार से उस पार तक दिखता है,
और ऐसा होता है कि जब इक्विनॉक्स आता है, इसका मतलब है जब 12 घंटे का दिन हो और 12 घंटे की रात हो, ऐसा साल में सिर्फ दो ही बार होता है, एक बार 22 मार्च को और एक बार आपको 23 सितंबर को ये चीज देखने को मिलेगा जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात है। इस दिन अगर आप इस मंदिर में दोपहर में देखें तो आपको हर एक खिड़की से हर 5 मिनट के अंतराल पे आपको सूर्य जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है उस जमाने में की गई इस कारीगरी से। पद्मनाभेश्वर स्वामी मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी प्रतिमा शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में विराजमान दिखाई देगी। ये मूर्ति नेपाल के गंडकी नदी से लाई गई 12,500 शालिग्राम पत्थरों से डिजाइन की हुई है और पद्मनाभेश्वर स्वामी के नाभि से निकलता है कमल का फूल जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है। जैसा कि हमने पुरानी कहानी में जिक्र किया था कि ऋषि को भगवान पेड़ों की वजह से 3 पार्ट में दिखाई दे रहे थे, ऐसे ही भगवान आपको आज भी दिखाई देंगे, क्योंकि भगवान पद्मनाभेश्वर स्वामी की मूर्ति के दर्शन आपको 3 दरवाजों से करने होते हैं। पहला जो भगवान के सिर से लेकर छाती तक दिखाई देता है, दूसरे में आपको कमल पे बैठे ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं और तीसरे दरवाजे से भगवान के पैरों के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन साल 2009 में कुछ ऐसा होता है कि इस मंदिर को पूरी दुनिया जान जाती है, क्योंकि टीपी सुंदर राजन नाम के एक पूर्व आईपीएस और एक वकील ने केरला हाईकोर्ट में एक अपील किया कि इस मंदिर में रखे हुए खजानों को खोला जाए और उनका ऑडिट किया जाए। इसके बाद 31 जनवरी 2011 को केरला हाईकोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को यह बोला कि आप पूरी तरीके से मंदिर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लें। इसके बाद 7 सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है जिसको इस मंदिर के ऑडिट करने और इन सारे दरवाजों को खोलने के लिए भेजा जाता है। 27 जून 2011 को पहला दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे के खुलने के 20 दिनों को ही अंदर टीपी सुंदर राजन जो कि पूर्व आईपीएस और वकील भी थे उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ही ये याचिका को लगाया था। ऐसा कहा जा रहा था कि इनको अचानक से काफी तेज बुखार हो गया जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने भगवान के ऊपर सवाल उठाया जिस वजह से भी इनकी मृत्यु हुई है। सबसे पहले तहखाना एक खोला जाता है जो कि भारी भरकम लकड़ियों और लोहे से पैक किया हुआ था, उसको खोल के जब पूरी टीम अंदर जाती है इसके बाद एक नीचे से छोटा और तहखाना जाता है जहां पे जब टीम जाती है तो देखती है कि वहां पे अरबों खरबों रुपए का बहुत सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। इन खजानों के अंदर नेपोलियन, रोमन, मेडिवल, ब्रिटिश टाइम के सिक्के मिले, इसके साथ ही हीरा, नीलम, पन्ने और माणिक जैसे कई सारे रत्न यहाँ पाए गए। इन 6 दरवाजों को ABCDEF नाम से नाम दिया गया था, जिसमें ACDEF नाम के जब दरवाजे खोले गए तो उसमें 2,00,000 करोड़ से ज्यादा तक की संपत्ति निकली। इन तहखानों के अंदर भगवान विष्णु की 3.5 फीट की एक मूर्ति मिलती है जिसमें तरह तरह के रूबी, पन्ना और कई तरीके के डायमंड इसमें जड़े हुए थे। इसके साथ ही इसमें 18 फीट लंबी एक सोने की चेन थी जिसका वजन करीब 500 किलो का था। इसके साथ ही भगवान को बैठने के लिए 28 फीट लंबा एक कुर्सी भी था जो कि पूरी तरीके से सोने से बना हुआ था। इस मंदिर के अंदर जो सिक्के पाए गए वो 200 BC से भी पहले के थे, जिसका आज एस्टिमेट करते हैं तो हर एक सिक्के की कीमत 2,70,00,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद पूरी टीम दरवाजा नंबर B के तरफ जाती है जो कि आखिरी तहखाना बचा हुआ था। इस तहखाने में करीब 3 गेट थे, पहला दरवाजा खोला जाता है जो कि लोहे का था, दूसरा दरवाजा खोला जाता है जो कि लकड़ी का था, लेकिन इसके पीछे तीसरा एक और लोहे का दरवाजा था जिसमें कोई कुंडी नहीं लगी हुई थी। इसको खोलने की कोशिश की गई लेकिन ये नहीं खुला और इस आखिरी दरवाजे के ऊपर 2 शेषनाग की आकृति बनी हुई है और लोगों का ऐसा मानना है कि अष्टनाग बंधन मंत्र से ये पूरी तरीके से बांधा गया है और अगर इसको खोला गया तो यहाँ पे कई सारे कोबरा सांप निकलेंगे जो कि सामने वाले को बुरी तरीके से मार सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर इस गेट को खोल दिया गया तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसमें इतना पैसा भरा है जिससे कि भारत पूरी तरीके से दुनिया का नंबर 1 कंट्री हो सकता है इकोनॉमिकली। यहाँ पे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसके अंदर करीब $1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा के आभूषण और जेवरात रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तहखाना नंबर B कभी खोलने की कोशिश नहीं हुई है। साल 1933 में त्रेवेंकोर नाम की एक गाइड बुक आई थी जो कि एमिली गिलक्रिस्ट ने लिखा था। उन्होंने बताया कि साल 1908, 1991 और साल 2002 में 3 बार कोशिश हुई थी इसको खोलने की, लेकिन कभी लोग सफल नहीं हो पाए। एक बार इस गेट को थोड़ा सा खोला गया था जिसके बाद से काफी सारे सांप निकल आए थे जिसके बाद लोगों को अपने जान बचा के भागना पड़ा था। इसके बाद ये पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और रिपोर्ट करती है कि हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो लोग भी पूरी तरीके से डर गए थे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत का माहौल देखते हुए इस गेट को खोलने पर पूरी तरीके से तब रोक लगा दी। और इससे कुछ दिनों बाद वहां पे 2 और तहखाने मिले जिसका नाम G और H दिया गया, लेकिन अभी तक ये तहखाने भी नहीं खोले गए हैं। अगर हम देखें तो 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आता है जिसमें कि जब इस पूरी मंदिर का कंट्रोल उठा के स्टेट गवर्नमेंट के पास दे दिया गया था, वो उठा के वापस इस रॉयल फैमिली के अंदर इसका कंट्रोल दिया गया, क्योंकि यही लोग इस मंदिर को सालों से चलाते आ रहे हैं। तो क्या है इस मंदिर का रहस्य जो कि अभी तक नहीं उठ पाया है और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से इस मंदिर के गेट को नहीं खोला जा रहा है? आप भी कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि ऐसा क्या है जिस वजह से ये मंदिर का गेट नहीं खोला जा रहा है, जब इन 5 दरवाजों से इतने सारे पैसे मिल सकते हैं तो इन 6 दरवाजे के अंदर है क्या ऐसा?
आप कमेंट ऑप्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।